करनाल में कांग्रेस पार्टी और सेक्टर 12 में धरना देकर मौन रहकर रोष प्रदर्शन जारी किया गया। किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी को लेकर जिला कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने जिला सचिवालय में पहुंचकर राज्यपाल के नाम एडीसी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस द्वारा करनाल में आर्थिक मंदी, किसानों की दुर्दशा, बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दे को लेकर आज करनाल में सेक्टर 12 में मौन रहकर रोष प्रदर्शन किया गया। मौन प्रदर्शन में पहुंचे असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा, बीजेपी सरकार में किसानों का बुरा हाल है। किसानों की अपनी जीरी सरकार खरीदने से मना कर रही है। पिछले 5 साल में भी किसानों का हाल था। किसान अपनी जीरी कहाँ बेचेंगे, यूपी और बिहार की जीरी खरीदी जा रही है। भाई आज तो हमने प्रदर्शन तो होया ही नहीं, प्रदर्शन तो जोर शोर से करना था। जो किसान का बुरा हाल इस सरकार ने पिछले 5 साल में तो किया ही, और नई सरकार आते ही जो किसान का बुरा हाल हुआ है उसका भी कोई जवाब नहीं है। किसानों की अपनी जीरी सरकार खरीदने से मना कर रही है, और किसान कहाँ बेचे। मैंने तो डीसी साहब को फ़ोन करके ये भी कहा था, मगा जी ये मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे, क्या वो एनआरसी किसान पे ही लागू होगी क्या? अब ये जीरी पाकिस्तान में बेचें, पंजाब में बेचें, कहाँ बेचें? कोई हमने कोई बाहर से तो खरीद के लान रखी। और जिनकी ये मद कर रहे हैं जो बिहार और यूपी से ला के चावल इनको सरकार को देंगे और पैसे कमाएंगे, उन लोगों ने जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना रखे हैं उससे कोटा पूरा कर रहे हैं। तो सरकार उसमें मिली हुई है व्यापारियों के साथ, और किसान के साथ धोखा हो रहा है। किसान का खून पसीने की कमाई जो है वो कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है, और इसका बदला काफ़ी हद तक तो सरकार को इसी इलेक्शन में मिला है। आने वाले समय में और भी बहुत बढ़िया तरीके से किसान इसका जवाब देगा। और गरीब और किसान को अगर सरकार सेवा नहीं कर सकती तो उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं।